हेलो गाइस, वेलकम बैक टू होम शॉप। तो कैसे हो आप सभी लोग, आप सभी का हमारे होम शॉप चैनल पे स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आलू के पकोड़े बनाए हुए हैं। तो आज आलू के पकोड़े हम घर पे कैसे बनाएंगे, वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है गाइस, तो आलू के पकौड़े खाने में मज़ा तो बहुत ही आएगा, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपको बताऊँगा। सो गाइस, यहाँ पर मैंने तीन आलू लिए हुए हैं। जो तीनों आलू है गाइस, इन तीनों आलू को हमें अच्छे से कट कर लेना है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने दो बाउल, जो छोटे छोटे बाउल होते हैं उनसे दो बाउल यहाँ पे मैंने बेसन का आटा लिया हुआ है। इस बेसन के आटे को हमें अच्छे से इसकी गाठियाँ फोड़ लेनी है, और उसके बाद इसके अंदर हम लोग जो है जीरा डालेंगे। जीरा डालने से पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक टीस्पून जीरा है। तो उस एक टीस्पून जीरे को हाथ में मसल के लेना है, और उसके बाद हमें बेसन के आटे के अंदर मिक्स करना है। यहाँ पे जीरा ऐड करने के बाद मैंने छोटा सा एकदम चुटकी भर जो है सोडा ऐड किया हुआ है। और उसके बाद गाइस, यहाँ पे हम लोग आधा टीस्पून, जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने आधा टीस्पून जो है नमक लिया हुआ है। इतना ही नमक जो आपको स्वाद अनुसार ऐड करना है। और उसके बाद जो हमारा बेसन का आटा है, इस जीरा और नमक और सोडे को हमें अच्छे से मिक्स करके लेना है गाइस। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गाइस, बेसन का आटा जो मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी लिया हुआ है। अब इस पानी को ऐसे ऐड करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसके बाद जो इसको मिक्स करेंगे। ऐसे धीरे धीरे पानी ऐड करने का रीज़न ये है कि इसके अंदर गाठियाँ नहीं होंगी गाइस। हमें इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करना है, फिर बेसन के आटे को मिक्स करना है, और उसके बाद फिर देखना है कि पानी की अगर हमें ज़रूरत है तो हमें फिर से पानी ऐड करना है। तब तक पानी ऐड करके हमें इसको मिक्स करना है कि इसकी कंसिस्टेंसी आप लोग देख सकते हो, ऐसी एकदम लिक्विड बैटर टाइप हमारी होनी चाहिए। तो गाइस, यहाँ पे जो हमने ऑयल लिया हुआ है, ऑयल की क्वांटिटी आप इतनी लो जितने कि आप जो भजा हो उसको तल सको गाइस। उससे ज़्यादा ऑयल लेना यहाँ पे कोई नेसेसरी नहीं है। तो यहाँ पे जब तक हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो रहा है, हम यहाँ पे पानी के अंदर जो है हमारे कटे हुए आलू को डाल लेते हैं। और जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, पानी में से आलू को निकाल के हमें बेसन के आटे के अंदर मिक्स करना है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से हमें जो यहाँ पे बेसन का आटा लगा लेना है, फिर जो है गर्म ऑयल के अंदर हमें आलू का पकौड़ा जो है डाल लेना है। यहाँ पे जो है मैंने ऑयल के अंदर 8 से 10 आलू के पकौड़ों को जो है अच्छे से फ्राई होने के लिए ऑयल के अंदर डाल लिया है गाइस। तो गाइस, यहाँ पे जो हमें पकौड़ों को अच्छे से कम 5 मिनट तक जो है ऑयल के अंदर अच्छे से फ्राई करके लेना है। तो गाइज, यहाँ पे जो है हमारा टेस्टी पकौड़ा फ्राई जो है बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम अलग से पतीले के अंदर जो है सर्व कर लेते हैं गाइज। तो गाइज, आपको पकौड़ा रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइज। और अगर ऐसा ही आपको फूड कंटेंट देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। गाइज, मेरा आप सभी से एक सवाल भी था कि क्या मैं आपके लिए मोटो ब्लॉगिंग चैनल और कार्स का रिव्यू का चैनल ला सकता हूँ। अगर आपको देखना वीडियो पसंद है तो मैं उसका भी चैनल जल्द से जल्द स्टार्ट कर दूँगा।